मान बढ़ चुकी है, जिससे किसानों की आमदनी में भी इजाफा हुआ है और चेहरों पर खुशी की लहर दौड़ पड़ी है। एक रिपोर्ट देखिए। धर्म की नगरी काशी में भक्ति आराधना का पर्व चैत्र नवरात्रि श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया जा रहा है। चैत्र नवरात्र में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शक्ति उपासना के इस महापर्व पर मंदिरों में पूजा अर्चना के साथ घर में अनुष्ठान कराते हैं। चैत्र नवरात्र में अनुष्ठानों के कारण नवरात्रि में फूलों की डिमांड में 4 गुना तक की बढ़ोतरी हुई है। फूलों की डिमांड में अचानक आए इस उछाल के कारण इससे जुड़े किसानों की आमदनी बढ़ गई है। एक हफ्ता 15 दिन पहले जाना की बिक रहा था 700-800 का, इसमें बिक रहा है जाना की 3,000-3,200 का। और इस बार नवरात्र में जाना कि गेना वाले जो हैं काफ़ी किसान खुश हैं और बहुत संतुष्ट हैं। कभी इतना पैसा लेकर नहीं जाते थे, इस बार जो भी आ रहे हैं काफ़ी संतुष्ट हैं हर किसान। पूर्वांचल की सबसे बड़ी वाराणसी में स्थित मलदहिया फूल मंडी में फूलों के डिमांड बढ़ने के साथ ही इसके कीमतों में 4 गुना तक का इजाफा हुआ है, जिसके कारण इससे जुड़े किसानों के चेहरे अब खिल उठे हैं। अनुमान लगाया जा रहा है कि फूलों के बाजार की ये रौनक आगे भी रहेगी, क्योंकि नवरात्रि के बाद वैवाहिक सीजन की शुरुआत होगी और वैवाहिक सीजन में भी फूलों की खासी डिमांड देखी गई है। 2 गुना दाम बढ़ा है सर। पहले जहाँ 10-12 रुपए माला बिकता था, 3,000 का 2,500 का माला बिक रहा है। और सीधा सीधा इसका आप समझ लीजिए कि ये टेम्परेचर की वजह से ऐसा हो रहा है, नहीं तो ऐसा नहीं होता। क्योंकि जो भी लगा है गेंदा इस समय खेत में, वो बिक गेंदे में इस समय फूल नहीं आ रहा है, टेम्परेचर की वजह से वो सूख जा रहा है। डिमांड बहुत ज़्यादा है लेकिन इतना प्रोडक्शन ही नहीं है, तो डिमांड पूरा ही नहीं हो पा रहा है। नवरात्रि के पावन दिनों में फूलों की डिमांड बढ़ी तो किसानों के चेहरों पर खुशी देखने को मिली। फूलों की डिमांड से किसानों की आमदनी बढ़ी है और नवरात्रि के बाद वैवाहिक सीजन भी प्रारंभ हो जाएगा, जिससे फूलों की डिमांड में आगे भी कोई कमी नहीं आने वाली। स्पेशल रिपोर्ट, भारत समाचार।